हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथ्स का सेट थ्री के आंसर्स को देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट वन को देखा हुआ है। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर मैंने सेट वन में आप लोग को बताया था किस तरह से हम बनाएंगे, और ये क्वेश्चन कॉमन है, तो आपका आंसर इसमें वन का बी 17 होगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया गया था, तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है, तो क्या होता है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पुट करके, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी टू का ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आगे के भी आंसर्स को हम देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री का है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 16। किस तरह से हम बनाएंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सिक्स सी हो जाएगा 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा -4। इन सभी का सॉल्यूशन मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन बी 3 आंसर होगा। इसके बाद हम आगे के भी आंसर्स को देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 2a इक्वल टू b। इसका भी सॉल्यूशन मैंने अपने पिछले वीडियो में सेट वन में बनाया हुआ है, क्वेश्चन कॉमन है। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि कॉमन, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं दिया गया था, यहाँ पे वैल्यू जो था वो चेंज है, तो इसका आंसर 16 डिग्री होगा। ये कैलकुलेशन आप कर ले, कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, 16 डिग्री राइट आंसर हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर एट है, इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर 2/3 होगा, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर टेन है। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर ऑप्शन डी होगा 65 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके 180 बराबर करते आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो 2√a² + b² निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने पे आंसर 4 निकलेगा। आप चाहे तो सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, वॉल्यूम का ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरल आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इरेशनल भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 32 होगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 81 है, 144 है, 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का है, 144 12 का है। तो अगर आप यहाँ पे दे दिया गया ई एफ, यानी कि ई एफ जो होगा नीचे होगा, और यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, बी सी। अब इसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ले ई एफ का 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 32 निकल जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1 होगा, इसका भी आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आंसर 1 ही आपका निकलेगा। आइए क्वेश्चन के आंसर्स को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करने के बाद आंसर 0.000738 निकलेगा। आप चाहे तो इसको बना के देख सकते हैं, आंसर आपका यही निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 4 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में एलसीएम फाइंड करेंगे तो 675 होगा, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 10 मीटर आएगा, साइन 30 डिग्री लेके आप इसको बना सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 1/36 निकलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है डाइस का। तो यहाँ पे जब हम लेंगे दो डाइस है, तो पहला एक ही नंबर हम लोग का ऐसा आएगा जिसका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, तो 1/36 हम लोग का आंसर निकलेगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर्स को देखा हुआ है। अगले वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 के बाद भी सॉल्यूशंस को बताऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।